हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन कैलिस्थेनिक्स। आज हम फिर से बात करेंगे नी डिफॉर्मिटी की। देखो गाइस, ये होती है नॉक नीज, ये होती है बो लेग्स, और ये होती हैं नॉर्मल लेग्स। सो आज हम यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे और क्या क्या करेक्टिव मेजर्स हैं इन सारी डिफॉर्मिटीज को सही करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले रूल आउट करते हैं बो लेग्स को। तो बो लेग्स कुछ इस तरीके से दिखती हैं। जब भी आप एंकल्स जोड़ के सीधे खड़े रहो तो आपकी नीज में अगर इतना सारा गैप है तो आपको है बो लेग। अब इसका करेक्टिव मेजर्स ज़्यादातर है ही नहीं। एज पर डॉक्टर एडवाइस चलता है, ब्रेसेस लगते हैं, कास्ट लगता है, या फिर सीधा सर्जरी। इसके अलावा कोई भी करेक्टिव मेजर नहीं है जो आपकी बो लेग्स को सही कर पाए। अगर आपको YouTube पे या कहीं भी कोई ज्ञान देता है उसमें चांटा भरो, व्यू मत देना, वो बस व्यू के लिए है। डॉक्टर एडवाइस के बिना रूल बना लो, कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे हम भी कितना ज्ञान दें लेकिन हर बार यही बोलते हैं कि डॉक्टर की एडवाइस पहले लो, उसके बाद यहाँ आओ और यहाँ पे करेक्टिव मेजर्स करो। तो बढ़ते हैं अब नॉक नीज की तरफ। तो गाइस, नॉक नीज कुछ इस तरीके से दिखती है। जब आप अपनी एंकल से एंकल मिला के खड़े हो और आपकी नीज एक दूसरे को हग करने की कोशिश करें तो वो नॉक नीज है। इसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले आपको लेनी है एक डॉक्टर से एडवाइस। डॉक्टर एक बार चेक कर ले क्या सीन है क्या नहीं, क्योंकि ऐसा भी होता है कुछ एक्सट्रीम रेयर केसेस में वो आपको वर्कआउट करने से ही मना कर दे, बिल्कुल जस्टिफाइड है। तो अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ नॉक नीज की। पहला कॉज होता है लैक ऑफ न्यूट्रिशन। किसी भी पोस्टर डिफॉर्मिटी का रीज़न हो सकता है लैक ऑफ न्यूट्रिशन। जब बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं जाएगा तो बॉडी उस वीकनेस को किसी ना किसी तरीके से तो दिखाएगी। तो उसके लिए नॉक नीज हो सकती है, बो लेग्स हो सकता है, और कोई स्पाइनल कर्वेचर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको नॉक नीज है तो आपके अंदर डेफिशिएंसी हो सकती है विटामिन डी की और बाकी विटामिन मिनरल्स की भी। तो इसका सॉल्यूशन हो सकता है कि आप रोज़ शाम को सीजनल फ्रूट्स लेके एक प्लेट में बैठो बिंदास और सब बेल लो। और ये नहीं कि हफ्ते में एक दिन खा लिया, बाकी छः दिन भी आपको खाने हैं। विटामिन मिनरल्स, देखो दो तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। अगर आप मैक्रो फैट कार्ब प्रोटीन पे ध्यान दे रहे हो तो आपको माइक्रो पे भी ध्यान देना है। उससे आपकी पोस्टर डिफॉर्मिटी नहीं होगी, स्किन अच्छी रहेगी, बाल अच्छी रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ये वीडियो चेक कर सकते हो मल्टीविटामिन्स के ऊपर। तो इसलिए आपको रोज़ सीजनल फ्रूट्स कंज्यूम करने हैं। उसके अलावा अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा बिजी ऑफिस में रहता है, ये सब रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप मल्टीविटामिन्स भी कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन हमारी फर्स्ट चॉइस रहेगी कि आप सप्लीमेंट पर ना जाके डाइट में रहो। फोकस रहना चाहिए कैल्शियम और विटामिन डी पे। कैल्शियम बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, बचपन से सुना है, बिल्कुल सही बात है। कैल्शियम का मेन सोर्स क्या है, दूध दही होए सबसे बढ़िया चीज़, और ज़्यादा है तो गोली गोली ले लो, वो कैल्शियम वगैरह की आती मीठी मीठी सी। लेकिन वही फर्स्ट चॉइस इज डाइट एंड इट ऑलवेज विल बी। तो सेकेंड कॉज आता है आपका ओबेसिटी। ओबेसिटी को कुछ ऐसे रिलेट करो, जो आपके पैर हैं वो हैं दो पिलर। अब इसके ऊपर आप लगातार बिल्डिंग बाय बिल्डिंग बनाए जा रहे हो, आप फ्लोर बाय फ्लोर बनाए जा रहे हो, जो है फैट। अब एक बात बताओ, अगर ये बढ़ती जाएंगी तो या तो पिलर अंदर की तरफ झुक जाएंगे जो कि हो जाएगी नॉक नीज, या फिर बाहर की तरफ झुक जाएंगे वो होंगी बो लेग्स। तो आपको इसका सॉल्यूशन यही देखना है कि आपको फैट किस तरीके से कम करना है। फैट कम करना है, मसल बिल्ड करनी है, तो आप ट्रेन विद अस चेक कर सकते हो। उसके जगह आपको एक चीज़ हमेशा अपनी बैक ऑफ द माइंड रखनी है कि आपको अपना बॉडी मास इंडेक्स एक रेगुलेटेड वे में लाना है। अपने BMI को फिट के अंदर ले आओ। मेहनत लगेगी नो डाउट, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल लग जाएगा, लेकिन दैट विल बी वर्थ इट। नेक्स्ट कॉज आता है आपका इम्प्रॉपर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप मान लो स्क्वाट्स मार रहे हो। अगर आप नॉकनी के पेशेंट हो, आपकी नीज अंदर बेंड हो रही है ऑलरेडी, उसमें आप स्क्वाट की फॉर्म भी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज मार रहे हो, तो आपकी नीज अंदर जाए जा रही है और आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि मेरी फॉर्म खराब हो रही है क्योंकि आपने ये वीडियो ही मिस कर दी थी। तो क्या होगा, आपकी जो नॉकनी की कंडीशन थी वो और वर्स हो जाएगी, उसको फिर मे बी डॉक्टर भी सर्जरी सजेस्ट कर दे, समझ रहे हो। इसलिए ही कहता हूँ कि पहले डॉक्टर पे जाओ, उसके बाद फॉर्म सुधारो, डॉक्टर बोले तभी एक्सरसाइज करो। ये चीज़ आपको अभी से इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी अगर आपको नॉक नीज है तो। इन सब के अलावा भी 2-3 चीज़ें और हैं जो आप कर सकते हो, और वो भी बहुत ईजी चीज़ें, जैसे कि सोते रोज़ो, अग्रीड, सोते टाइम नीज के बीच में तकिया रख लो। नीज टच हो रही होती है इसी को नॉक नीज बोलते हैं। जब आप तकिया रखोगे तो बॉडी की एबिलिटी होती है अडेप्ट करने की सही फॉर्म को। जब आप तकिए से गैप दोगे ना तो बॉडी हील होने की कोशिश करेगी, आपके पोस्चर को सही करने की कोशिश करेगी, लेकिन वो तब जो आप पहले बताई हुई चीज़ों को फॉलो करोगे। विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो। सब कुछ पूरा रखोगे, तकिया रखोगे, पक्का रिजल्ट आएंगे। सेकेंड चीज़ आती है आपकी द बटरफ्लाई स्ट्रेच।
बटरफ्लाई स्ट्रेच इस तरह से आप मैट बिछा लो जमीन पे या नॉर्मल जमीन पे बैठ जाओ, अपनी नीज पे हाथ रखो और इस तरीके से आपको फोर्स लगा रहा है। इसको कम से कम नहीं तो 8 से 10 बार करना है, रोज करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, सोने से पहले कर लो, बहुत अच्छी बात है। तो बेसिकली इस तरीके से समझो कि जिन भी एक्सरसाइजेस में या स्ट्रेचेस में आपकी नीज पे अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर पड़ रहा है, वो आपकी नॉक नीज को सही कर सकती है। लेकिन ये नहीं इसका मतलब कि कुछ बांध के खींच लो अंदर से, ना, टूट भी सकती है। आराम से हल्का हल्का प्रेशर अप्लाई करना है, कुछ भी ज्यादा बहुत जोर से चीजें नहीं करनी, सब आराम आराम से करो, एंड दैट टू आफ्टर द डॉक्टर्स एडवाइस। सो टू सम अप, आपको नॉक नीज सही करने के लिए चाहिए डॉक्टर्स एडवाइस, डाइट एंड न्यूट्रिशन, अच्छी फॉर्म एक्सरसाइजेस की और फैट लॉस। तो ये सब मिलेगा हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब करो। और अतुल भाई, तुम्हारी वजह से ये वीडियो आई है, तुमने 4-5 बार कमेंट में पूछा था। इसी तरीके से आप लोगों को भी कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी हो या कोई भी चीज़ पे वीडियो बनवानी हो तो कमेंट करो या इंस्टा पे पूछो, हम ज़रूर बनाएंगे आपके लिए। बने लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाओ, अगली वीडियो मिलते हैं, ओके बाय।